पढ़ाई के साथ रचनात्मक कार्यों में आगे रहने के उद्देश्य को लेकर सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में बुधवार को सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, मेहंदी और पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता के साथ ही अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाने की प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें बीईडी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन को लेकर अर्चना सारंगी ने बताया कि छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में भी आगे बढ़ते रहें, जिसको लेकर शिक्षा महाविद्यालय में लगातार इस तरह का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत इन प्रतियोगिताओं का आयोजन रखा गया, जिसमें बीईडी के छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रतियोगिता के निर्णायक के लिए प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार मनीष कोठारी पहुँचे। उन्होंने प्रतिभागियों को उनकी कलाओं के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण चंद तिवारी और सचिव दिलीप इंगले ने कार्यक्रम की सराहना की। देखने को मिला कि शिक्षा के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता चलता है कि एक दूसरे के अंदर किस तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई है, वो सबके सामने आती है और उनको जैसा कि प्रोत्साहन मिलता है तो फिर उस क्षेत्र में वो और भी अच्छा कर पाते हैं और करने की चाहत रखते हैं। और शिक्षा के साथ साथ और बाकी क्षेत्रों में भी एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा अच्छा बनाया गया है। अभी जजमेंट हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद होगा, ताकि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा महाविद्यालय में सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी बनाओ प्रतियोगिता, पूजा थाल प्रतियोगिता, अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है, चूँकि ये बीएड के छात्र हैं, ये शिक्षा महाविद्यालय है और यहाँ से जो छात्र अध्यापक हैं वो शिक्षक बनकर निकलते हैं। एक शिक्षक में सर्वांगीण विकास का होना बहुत अधिक आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के तहत ये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राओं में जो छुपी हुई प्रतिभा है वो निखर के आगे आए और ये जाके अपने जो स्टूडेंट इनके कल के दिन रहेंगे उनको सिखा सकें। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि बच्चे एक मनोरंजन कॉलेज में आए हैं, तो एक कंपटीशन की भावना, एक मनोरंजन की भावना को भी ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक। हाँ, जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं उससे हमें एक तो अपना जो हुनर है वो सबके सामने आता है और इससे हम सेल्फ डिपेंड भी बनते हैं, जिससे हम खुद तो सीखे रहते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कला है जो कि सब में नहीं होती है, तो ये बहुत ही अच्छी है कि सबने पार्टिसिपेट किया और अपना हुनर दिखाया। ये कि जो हमारे अंदर जो स्किल है वो बाहर आती है और पता चलता है, और इवन एक साथ हम लोग रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन, फ्रेंड्स सर्कल में भी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।